पब्लिक टीवी आपकी आवाज। शहर में मंगलवार को भगवान हनुमान का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से ही हनुमान मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ रही। मंगलवार का दिन होने की वजह से ये उत्सव और भी खास हो गया। श्रद्धालुओं ने भगवान का श्रृंगार करने के बाद चोला चढ़ाया और परिवार की खुशहाली की कामना की। साथ ही भंडारे में प्रसाद वितरित किए गए और पुण्य लाभ कमाया गया। अखंड रामचरित मानस पाठ सम्पूर्ण होने के उपरांत प्रभु श्री राम का राजतिलक किया गया। हनुमान जी को चोला अर्पित कर उनको महाभोग लगाया गया। इसके पश्चात हवन और भंडारे का आयोजन हुआ। इसमें काफी संख्या में भक्तों ने अपने श्रद्धा भाव की आहुति अर्पित कर प्रसाद ग्रहण किया। मैं मनोकामना जी हनुमान मंदिर रेलवे कॉलोनी से बिल्लू कत्याल। आज हनुमान महोत्सव पर आज सुबह 5 बजे से प्रातः मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने हनुमान जी के दर्शन किए। हनुमान जी की सिद्ध पीठ होने के कारण मेरे 25 साल में आज पहली बार इतना रश, इतनी पब्लिक, जनसमूह उमड़ा यहाँ पर मैंने पहली बार देखा है। मंदिर समिति द्वारा सुबह 5 बजे कपाट खोल दिए गए थे और आज मंदिर पूरे दिन खुला है और शाम 5 बजे से मंदिर समिति द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें मंदिर गेट से लेकर मुरादाबाद क्लब के गेट तक 5 बजे से लगातार पब्लिक पंक्तिबद्ध होकर दर्शन कर रही है तथा भंडारे का लाभ उठा रही है। मनोकामना श्री हनुमान मंदिर में हनुमान जी के सिद्ध पीठ होने के कारण जो जितना जनसमूह यहाँ पर आ रहा है वो कोई ना कोई अपनी मनोकामना पूर्ण करवाने के लिए आ रहा है और जिनकी मनोकामना पूर्ण हो गई वो यहाँ पर हनुमान जी के आगे चुन्निया धागा बांध के जा रहा है। मेरा मुरादाबाद के समस्त निवासियों से निवेदन है कि वो आगे भी इसी प्रकार जैसे इस समूह के रूप में मंदिर आए आगे भी आते रहें। धन्यवाद। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।